तो एक बार फिर से आज हम खेलने जा रहे हैं WWE 2K20 और आज का ये मैच भाई एक ड्रीम मैच से कम नहीं है, क्योंकि ये मैच है द रॉक और बिल गोल्डबर्ग के बीच में। ये मैच हो रहा है फास्ट लेन में। गोल्डबर्ग ने यहाँ पे WWE में रिटर्न करी है और सीधा मैच हुआ है यहाँ पे उसका रॉक से। रॉक आज यहाँ पे मेरा प्लेयर है, बैल यहाँ पे बच चुकी है। मैंने यहाँ पे इसको क्लोरस लाइन मार के नीचे गिरा दिया फिलहाल के लिए यहाँ पे गोल्डबर्ग को। देते अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा दर्द। तो भाई ये मैच ना मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला है। और इस मैच की शुरुआत में मैं पहले आपको बता दूँ कि इस मैच में एक काफी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट आने वाला है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो भाई यहाँ पे मैंने गोल्डबर्ग को फिलहाल के लिए नीचे गिरा दिया है और यहाँ पे भाई इतनी जल्दी तो दोनों में से कोई हार सच में नहीं मानेगा, क्योंकि दोनों की पावर यहाँ पे गिरी ना और दोनों यहाँ पे लेजेंड है। और इस गेम में भाई इन दोनों को ना बिल्कुल ऐसा यंग दिखाया गया जैसा कि अपनी जवानी में हुआ करते थे, तो मतलब ग्राफिक में तो काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया इन्हें। तो यहाँ पे गोल्डबर्ग खड़ा हो चुका है और भाई यहाँ पे मैं पता नहीं कहाँ जा रहा था सुपरमैन की तरह बन के, बट गोल्डबर्ग ने मेरे को यहाँ पे पकड़ लिया है। और अब यहाँ पे भाई मेरे को रिवर्सल का ही टाइम नहीं दे रहा है या फिर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे भाई ले रहा है ये, ओके। तो मुझे लगा यहाँ पे भाई अपना स्मैक लेने वाला फिनिशर, बट यहाँ पे तो फिनिशर अभी किसी का आया नहीं है। यहाँ पे इसने मेरे को गिरा दिया है। तो भाई फिनिशर अभी यहाँ पे मैंने किसी को नहीं दिया है इस गेम में, यानी कि फिनिशर हमें मार मार के मार कूद के यहाँ पे हमें अर्न करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अपना फिनिशर तभी आएगा। चलो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रिवर्सल, बट भाई यहाँ पे इसने मेरे को दोबारा से रिवर्सल करके मेरे पीछे आ गया, मतलब पीठ पीछे भाई चुपन चुपाई खेल रहा है क्या। इसको भी पड़ चुका है यहाँ पे एक रिवर्सल, अभी है यहाँ पे भाई गंजा नीचे लेट चुका है। बट यहाँ पे फटाफट से खड़ा हो रहा भाई, अपनी पूरी पावर दिखा रहा था, पूरी पावर मतलब जितनी भी ये पावर बचा के लाया ना दोबारा रिटर्न करी है इसने, उतनी ये पावर यहाँ पे मेरे को दिखा रहा था। बस इसको यहाँ पे नहीं चली, मैं करता हूँ इसको कवर। रेफरी वन, यहाँ पे भाई इसने वन तक भी काउंट मेरे को नहीं करने दिया है। फटाफट से इसने ओके, भाई यहाँ पे इसने दोबारा से रिवर्सल कर दिया है। चलो यहाँ पे इसकी फिर पड़ गई भाई रिवर्सल, ओके यहाँ पे लगा दिया इसका सुपरलैक्स। रिवर्सल तो इतनी जल्दी करता भाई, इसकी कुछ कहनी नहीं, जैसे कि ये अभी बिल्कुल एक बच्चा एकदम यंगस्टर आया हो। बट भाई यहाँ पे इसकी एज 50 साल की उम्र में वापस आया इस गेम में और भाई काफ़ी तगड़ा लड़ रहा है, काफ़ी तगड़ा शरीर भी बना हुआ है इसका, देख के मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा डोमिनेट। और यहाँ पे भाई मैं करता हूँ दोबारा से कवर करके देखते वन पे ही। यहाँ पे इसने भाई हार नहीं मानी है, मतलब किकआउट तो ये फटाफट से कर दे रहा है, बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहा है, ना ही रेफरी को यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने दे रहा है। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे एक बार फिर से ये खड़ा हो चुका है गोल्डबर्ग। और अब भाई यहाँ पे ना मेरी बारी आ गई एक पटकी लेने की। चलो इसकी लगा दी मैंने यहाँ पे लेट स्विंग पटकी, क्या तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा भाई यहाँ पे इसको। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और दर्द देते हैं, इसकी गंजे की खोपड़ी घुमा करके यहाँ पे भाई बट 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 पाँच बार बट इसने यहाँ पे मेरे को रिवर्सल कर दिया है और यहाँ पे मैंने भी इसको रिवर्सल कर दिया है। और भाई यहाँ पे ना मेरा फिनिशर आ चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे फटाफट से फिनिशर ले लूँ, पर मैंने यहाँ पे इमोट कर दिया था। तो चलो एक बार फिर से कवर करके देखते, क्या पता हार मानी जाए। वन टू, ओह नो, यहाँ पे भाई इसने दोबारा से किकआउट कर दिया है और रॉक भी यहाँ पे एकदम शॉक हो गया कि इसने किकआउट यहाँ पे कैसे कर दिया है। तो भाई यहाँ पे ना मेरा फिनिशर आ चुका है, चलो फटाफट से मैं लेता हूँ यहाँ पे अपना फिनिशर। और यहाँ पे मैं फिनिशर लेने के बाद ट्राई करता हूँ, क्या पता गोल्डबर्ग आ जाए, इसकी पावर तो वैसे रेड हो चुकी है पूरी। तो यहाँ पे मैंने ले दिया इसका फिनिशर और फटाफट से मैं इसको कवर करता हूँ बिना एक सेकंड वेस्ट करे। देखते यहाँ पे यार मानता है नहीं। वन टू थ्री, ओके। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट आया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि गोल्डबर्ग यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट में यहाँ पे इस मैच को हार जाएगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इतने साल बाद इसने रिटर्न करा है और इतनी बुरी तरीके से गोल्डबर्ग हार जाएगा, इस बात की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने इस मैच को जीत लिया और मैं बन गया हूँ यहाँ पे विनर। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।